और सहारे न मांगो। ए बाबा जी अवध मांग लो, मेरी जान ले लो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम। अरे बाबा जी ये विश्वामित्र गाध के पुत्र हैं, आजमगढ़ से राम जी को लेने आए थे क्योंकि राम जी छत्री हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं छत्रियों को ले जाऊंगा, ब्राह्मणों की गौ की सेवा करना ये छत्रियों का धर्म है, और राम जी को ले जाएंगे तो राक्षसों को मरवाएंगे तो हमारा काम भी होता रहेगा। लेकिन दशरथ ने मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा, मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो तुम ऐसो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम। महाराज विश्वामित्र सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं अपने राम को नहीं दे सकता, आप जिसको चाहे उसको ले जाओ। मैंने चौथे पन में इन बच्चों को पाया है और आप हमसे हमारे बच्चे छीनना चाहते हो। सब चुप हो गए, सब शांत हो गए। वहीं पर बैठे थे वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि दशरथ होश में आ जाओ, तुम्हें मालूम है ये सामने खड़ा ब्राह्मण कौन है? बोले कौन है? बोले ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र से काशी की गलियों में झाड़ू लगवा ली थी। ध्यान रखना ये कोई साधारण विश्वामित्र नहीं है। और दूसरी बात, तुम राम जी को क्यों नहीं दे रहे हो? राम जी तुम्हारे घर में खेलने कूदने नहीं आए हैं, वो संसार का भार हटाने आए हैं, राक्षसों को मारने आए हैं। मेरा इतना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो, और नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। ये राम है इनको जाने दो, ये तुम्हारे घर नहीं रुकने के लिए आए हैं, ये राक्षसों का विनाश करने आए हैं, इसलिए इनको जाने दो। अब जो इतनी बात कही माताओं, तो आज राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलाया, सीने से लगाया, बेटा तुमको मैं गुरुजी के साथ में भेज रहा हूँ, इनकी सेवा करना, कभी कोई ऐसा काम मत कर देना कि मेरा सिर शर्म के मारे झुक जाए, जाओ गुरुजी की सेवा करना। आज राम चले, लेकिन राजा दशरथ की चार संतानें हैं, लेकिन वो राम को बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे, बड़े लड़का थे राम जी। तो जैसे राम जी चले तो दशरथ की आंखों में आंसू आ गए, बेटा कि जरा देर ठहरो राम, मेरे बेटा मुझे छोड़ करके ना जाओ। राम बोले पिताजी आप ही तो हमें भेज रहे हो, और आपने कहा है कि विश्वामित्र जी का जब यज्ञ पूरा हो जाएगा फिर हम लौट आएंगे, कि जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही अभी हमने जीवर के देखा नहीं है, अभी हमने जीवर के देखा नहीं है, अभी हमने जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवर के देखा हमने। और क्या बोले हैं दशरथ बेटा राम, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की, अब ये अयोध्या,
अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। राम अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। मत जाओ बेटा, पर वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया, विश्वामित्र राम को लेकर के चल पड़े। मेरी माताओं, आगे आगे गुरुजी जा रहे हैं, पीछे राम है, सबसे पीछे लक्ष्मण है। और जैसे ही चले विश्वामित्र, नौमी को चले थे, दसवीं को दशरथ से मिले थे, छठी को चले थे, और देखिए एकादशी को अयोध्या में रुके और द्वादशी को राम और लक्ष्मण को लेकर आजमगढ़ चल पड़े वापिस। जैसे ही द्वादशी को राम को लेकर के चले, विश्वामित्र बड़े चालाक, बड़ा लंबा दिमाग लगाया विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने ये पूछा कि हमारे साथ में छत्री तो चले ही रहे हैं, इनके हाथ में धनुष है, बाण भी है, तो क्यों ना राम जी को ऐसे रास्ता से लेके चलो जहां सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती है, जहां सबसे बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। अगर राक्षसों ने राम जी से लबल लबर करी तो राम जी निपटा भी देंगे वहीं पे। लंबा दिमाग लगाया विश्वामित्र ने और विश्वामित्र राम जी को लेके पहुंचे ताड़क वन में, जिस वन में ताड़िका राक्षसी रहती थी। जैसे ही विश्वामित्र उस जंगल में घुसे तो ताड़िका नाम की विकराल राक्षसी विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी। और जो विश्वामित्र ने देखा बेचारे डरी गए, राम जी के पीछे दुबक के ठाड़े हो गए, बेटा बचा लो, फिंगर मोमो जो समझ के खाए जाए, हाँ जल्दी बचाओ। तो एकदम से राम जी बोले, गुरु जी तुम हमको यज्ञ की रखवाली करने के लाए या औरतन को मरवाए पे बुलाए, हम जी उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा था कि यज्ञ की रखवाली करना, इसको हम क्यों मारे, ये बेचारी अबला है, नारी है, हम नारी पे हाथ नहीं उठाते, हम राम है। विश्वामित्र बोले, अबला है, जाने कीर्तन को तबला बजा चुकी, तुम कह रहे हो अबला है, तुम्हें कुछ मालूम है, सुनो मेरी बात। कि कौशिक बोले देखो राघव, और पापिनी ताड़िका आए रही विश्वामित्र बोले, बेटा राम ये ताड़िका नाम की राक्षसी आ रही है, इसने ना जाने कितने संत ऋषि महात्माओं को मार करके जिंदा उनके मांस का भक्षण कर डाला, ये अबला नहीं है। जिसके मारे मुनि वृंदों की और नाहक में जान जाए रही है। राम जी ने रोका, हम इसे नहीं मारेंगे। विश्वामित्र जी ने समझाया कि ये अबला नहीं है, और ये
भैया सम्मानी है, रिंकू मदारपुर से हैं, सम्मान के दौर हार भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। यस काम धन लंबी आई हो। और ये पुनः फिर पुष्प मुद्राओं का हार गले में डाल करके सम्मान कर रहे हैं, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। और सम्मानीय आचार्य जी का भी सम्मान कर रहे हैं। ऐसे ही धर्म की ओर आपके हाथ आगे की ओर बढ़ते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर विश्वामित्र ने कहा है, बेटा राम इसलिए ना देर करो, राघव धनुआ धारण असुरारी करो, एक ही बाण से हे राघव इस पापिनी का संहार करो। अब राम जी बेचारे मजबूर हो गए, गुरु जी की आज्ञा भाई माननी तो पड़ेगी। एक बाण चला करके ताड़िका